देखिए, चुनाव का सवाल आपने किया, मैंने नहीं किया। अब 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के पास चार चार पांच पांच बच्चे हैं, उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी, बताइए। वो तो रिपोर्ट मीडिया ने, आपने रिपोर्ट किया मीडिया ने। हमारा बोलना ये है कि मोदी सरकार ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाएगा तो ये हिंदुत्व के ये ब्रिगेड को ये लॉ लाने की क्या जरूरत? या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरा, मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसमें कहा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोअर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। तो ये योगी 56 इंच के खिलाफ जा रहे हैं या 56 इंच योगी के मातहत है? तीसरी बात यह है कि जो NFHS डेटा है जिसमें ये कहा गया कि जो 99-2000 का NFHS डेटा है, अभी तक नया वाला रिलीज नहीं हुआ, उसमें यह कहा गया कि TFR डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये झूठ है सच है बता दे बीजेपी वाले। चौथी बात यह है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का, यानी वो तो गिर रहा है ना, यानी हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं गिरेगा, जब क्या करेंगे आप? पांचवी अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है, आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहां गई नौकरी आपकी? करोड़ों नौकरियां चले गए आपके कोविड के सेकेंड वेव के मिसमैनेजमेंट के बाद। कारोबार ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में यह कहा कि भारत में